ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡು ಎಬಿಟಿಂಗ್ಗಳು ಎಂದು ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ 150 ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ರೈತರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೋದಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ 420 ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. 29 ತಾರೀಖು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಸಭಾ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೈ. ಉನ್ ಸಭಾವೋ ಮೇ ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ಸೇ ಲಾಖೋ ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಲೋಗ್ ಭಾಗ್ ಲೇ ರಹೆ ಹೈ. भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है और 150 से अधिक सीटें 150 सीट से अधिक हम जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं. ई बारी बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार और कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा धीरे 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 करके और बीजेपी बढ़ती चली जा रही है. आज हमारा घोषणा पत्र आया है और मैनिफेस्टो जो घोषणा है हमारा संकल्प है, इनको हम पूरा करेंगे सरकार बनाने के बाद. क्योंकि हमने कर्नाटक की जनता के लिए 52 लाख किसानों को 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं. 11 लाख रायता विद्या निधि वह देने का काम कर रही है. 39 लाख घरों में नल से जल की योजना चालू है. इसी प्रकार से शौचालय घर घर गांव गांव जाकर शौचालय बनाने का काम हुआ है. लाखों लोगों को बुजुर्गों को पेंशन मिलने का काम हो रहा है और कर्नाटक के विकास के लिए केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में पहले येदियुरप्पा जी पे बोम्मई सरकार ने बहुत काम किया है. आज कर्नाटक इज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है, इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 है, एफडीआई भी सबसे अधिक कहीं आ रहा है तो कर्नाटक में आ रहा है. बीजापुर से लेकर के सभी जिलों में सड़कों का जाल फैल रहा है. हमारे सरकार के अंतर्गत बन रहा है. वंदे भारत से लेकर मेट्रो ट्रेन कर्नाटक के अलग अलग जिलों में चल रही है और बाकी काम चल रहा है. 8 से अधिक जगह पर नए एयरपोर्ट चालू हो रहे हैं, कई जगह चालू हो गए. कुछ ही दिन में बीजापुर का भी एयरपोर्ट अभी यहाँ पे चालू हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा. तो कर्नाटक का विकास डबल इंजन के माध्यम से हो रहा है. कोई भी कर्नाटक के जनता यह नहीं चाहती कि कांग्रेस आए और विकास की गति को रिवर्स करे. आज जब घोषणा पत्र आया है तो वह के माध्यम से कर्नाटक के गौरव को लगातार प्रतिस्थापित करना, कर्नाटक के सांस्कृतिक जो मूल्य हैं या केंद्र हैं उनको और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौरवान्वित करे, उसके लिए फंड दे. और इस घोषणा पत्र में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसान वर्ग के लिए बहुत सारी घोषणा की गई है. इसी के साथ साथ एससी एसटी वर्ग के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया गया है. जहां जो बीपीएल परिवार के लोग हैं
उनको आधा लीटर, आधा लीटर, हाफ लीटर नंदनी मिल्क ऐसे 37 लाख लोगों को देने का काम करेंगे पर डे, हाफ लीटर नंदनी मिल्क पर। उसी प्रकार से अनाज देने का काम, अभी 5 केजी देते थे, अब 10 केजी अनाज देने का काम वह बीजेपी की सरकार करेगी। 5 केजी केंद्र से, 5 केजी स्टेट से, एक डबल इंजन की सरकार है। और जो एससी एसटी वर्ग के लोग हैं, अगर महिलाएं अगर बैंक में पैसा जमा करती हैं, एफडी करती हैं, तो उतना डबल मैचिंग पैसा वह हमारी प्रदेश सरकार करेगी। जैसे 10,000 रुपये तक, अगर वह 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज अगर महिला एससी एसटी वर्ग की बैंक में पैसा जमा करती है, तो 10,000 ग्रांट जो है वह हमारी कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार करने वाली है। कहने का मतलब, अगर 10,000 आज आप जमा करते हो तो 5 साल बाद आपको 40,000 मिलेगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए इससे बड़ा और कुछ काम हो नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को अभी मकान नहीं मिला क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, जबकि मोदी सरकार के अंतर्गत कर्नाटक में गांव-गांव में मकान बने हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, हक पत्र देने का काम किए। अभी सरकार ने इस घोषणा पत्र में निर्णय लिया है कि जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे 10 लाख लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको लैंड देगी, उस जमीन पे वो घर बनाने का काम करेंगे। 3 साल के अंदर कोई भी कर्नाटक का व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा, कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास उसका मकान न हो। जमीन देने का काम करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको पैसा भी देंगे तो अच्छा सुंदर उसका मकान बनेगा। साल चेकअप होना चाहिए, जिसे लंबी बीमारी हो तो पहले से पता चले। तो सरकार ने यह तय किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सभी सीनियर सिटीजन का उनका हर वर्ष मुफ्त में बढ़िया अस्पताल में फ्री हेल्थ चेकअप कराने का काम करेगी। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होल बॉडी चेकअप हर साल फ्री में सभी सीनियर सिटीजन का कर्नाटक सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जून से करना शुरू कर देगी। मई में हमारी सरकार बन रही है और हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, तो सरकार ने त्योहार के अवसर पे तोहफा देने का निर्णय किया है। गणेश चतुर्थी हो, उगादि का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, इन तीनों पर्वों पे सरकार गिफ्ट के रूप में फ्री गैस सिलेंडर देने का काम करेगी, जिससे कि सब त्यौहार खुशी खुशी, वैसे भी खुशी खुशी मनाते हैं और खुशी के साथ लोग मनाएं, फ्री गैस सिलेंडर इन ईयर वो सरकार देगी त्यौहार के अवसर पे। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार खर्च करेगी, जिसके माध्यम से केवल और केवल कोल्ड स्टोरेज के लिए वह खर्च होगा। एजुकेशन के लिए घोषणाएं की गई है कि एजुकेशन के सेक्टर में किस प्रकार से सरकारी स्कूल में और अच्छी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो, उसमें भी पैसा खर्च करेंगी। वह सारी घोषणाएं हैं। मुझको लगता है कि 103 प्रोमिसेज हैं और उसी के साथ 16 बड़े हमारी घोषणाएं हैं। कर्नाटक की जनता इनके सभी का बहुत अभिनंदन कर रही है, क्योंकि हमने जो कहते हैं वो करते हैं, बल्कि जो कहते हैं उससे और अधिक करते हैं। यह मोदी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, यह भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया, जो घोषणा किया, आज तक पूरा नहीं किया। मैं सोनिया जी से और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी घूम रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने राजस्थान में बोल के आए थे कि किसानों का कर्जा हम माफ़ करेंगे, 10 दिन के अंदर आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किए। आप बोल के आए थे बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपये हर महीने देंगे, आज तक 52 लाख जो युवा हैं घूम रहे राजस्थान के सड़कों में, आज तक आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया।
यह कांग्रेस थी राजस्थान में, राहुल गांधी जी बोल के आए थे कि हम बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 10 बार बिजली का दाम बढ़ाया। राजस्थान में अगल बगल के राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक डीजल पेट्रोल का दाम है तो राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ में घोषणा नहीं पूरा किया, इसी प्रकार से हिमाचल में घोषणा करके आए थे यह पूरा नहीं किए। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गई थी उत्तर प्रदेश में गारंटी कार्ड जारी करने के लिए कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, गारंटी कार्ड यूपी में जारी किया, आप देख सकते हैं इंटरनेट में। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती थी कि ये कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है, इनका गारंटी कार्ड 420 का गारंटी कार्ड है, इसलिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में कांग्रेस को केवल 2 सीटें आई। इसी प्रकार से कांग्रेस के फर्जी गारंटी कार्ड को गोवा में भी जनता ने रिजेक्ट किया, मणिपुर में जनता ने रिजेक्ट किया, उत्तराखंड में जनता ने रिजेक्ट किया, असम में जनता ने रिजेक्ट किया, अब बारी है कर्नाटक में भी इनके फर्जी घोषणा पत्र जो कांग्रेस का है 420 गारंटी कार्ड है उसको भी जनता यहाँ अच्छी तरीके से रिजेक्ट करने वाली हैं। यही मुझको आप सबसे कहना था। और बीजापुर में जो मैं असेसमेंट करता हूँ, बीजापुर में 7 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, इस बार 8 सीटों पे हम बड़े मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और इस बार इतिहास रचने वाला है, बीजापुर की 8 के 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, अच्छी तरीके से जीतने जा रही है। 1-2 सीटों में हमको और मेहनत करना है, उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी 6 सीटें क्लियर हैं, 2 सीटों में और मेहनत करके हम 8 की 8 सीट इस बार जीतेंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे बीजापुर में, 1-साइडेड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की होगी। और JDS का तो कोई महत्व नहीं है, सबको मालूम है JDS पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता, उनके पास न विजन है न सोच है, इसलिए JDS पार्टी को तो जनता वैसे रिजेक्ट करेगी। और कांग्रेस पार्टी और JDS दोनों एक दूसरे के मिलीभगत है, ए टीम और उसकी बी टीम है, इसलिए जनता दोनों को बुरी तरीके से हराएगी। जीत रहे हैं, कर्नाटक की जनता मोदी जी से बहुत प्रेम करती है, किस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक को उन्होंने ध्यान रखा, 5,300 रुपये अपर भद्रा प्रोजेक्ट से लेकर के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक को भरपूर सहयोग किया, और पहले येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में, क्योंकि येदियुरप्पा जी पूरे कर्नाटक के टॉलेस्ट लीडर है सभी पार्टियों में, उन्होंने जो काम किया, उसके बाद बोम्मई जी जो काम कर रहे हैं, और कॉमन मैन की छवि के आधार पर वह जनता काफ़ी पसंद कर रही है, हम कर्नाटक में 150 सीट अवश्य रूप से जीतेंगे, यह मुझे कहना था।